नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल एस्ट्रो कमल। दोस्तों, क्या होता है कि जिंदगी में कभी कभार अचानक से खुशी आ जाए या अचानक से गम आ जाए, अचानक से खुशी आ जाए तो भी आदमी के लिए बड़ी खतरनाक, और अचानक से गम आ जाए तो भी आदमी के लिए बड़ा खतरनाक। ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो देता है। एक मित्र थे जो क्रिकेट में पैसा लगाया करते थे, और अचानक उनको 30 लाख रुपए का चूना लग गया क्रिकेट में, उनकी बॉल बाउंड्री पार चली गई। इधर बॉल बाउंड्री पार चली गई, अनाउंस हुआ आपका 30 लाख रुपए गया। तुरंत भाई साहब को झटका लगा और दिमागी संतुलन खो गया। कई महीनों तक फिर वो ऐसे पागल की तरह एकदम गुमसुम बैठे, एकदम भटकते, कुछ कोई उपाय नहीं, और बस आखिर में उनको जान देने पड़ी। अपने आप को इतना हताश कर लिया कि मरना ही पड़ा। ऐसा पागलपन यदि किसी के अंदर आ जाए तो उसे मानसिक उद्वेग कहते हैं। अचानक से कोई घटना घटित हो जाए, अचानक से कोई बात हो जाए, उससे क्या होता है, आदमी पागल हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो आदमी फिर इस धरती पर किसी काम का नहीं रहता। वो अपनी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता खोने के बाद में बिल्कुल लाचार अपाहिज की तरफ हो जाता है। फिर उसे कुछ भी पता नहीं रहता, कुछ भी उसे होश नहीं रहता, कहाँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ऐसे में आज मैं तंत्र आपको बताता हूँ। ये एक तिलिश्मा है, एक जादू है, इस्लाम में इसको बहुत माना जाता है। यदि आप इस जादू का, इस तिलिश्म का प्रयोग कर लेते हैं, हिम्मत की बात है, कर लेते हैं, तो आपका जो मरीज है वो फट से ठीक हो जाएगा। और आप आश्चर्य करोगे कितने जल्दी कैसे ठीक हो गए। क्या तिलिस्म है? तिलिस्म यह है साहब कि आपको कहीं से भी एक मानव की खोपड़ी लेके आनी पड़ेगी। मानव का जो खोपड़ी होता है, यहाँ से वो खोपड़ी, कहीं से मानव की खोपड़ी लानी पड़ेगी। चाहे तो कब्रिस्तान से लाओ, चाहे शमशान से लाओ, कहीं से भी लाओ, आपकी मर्जी है। मानव की खोपड़ी लानी पड़ेगी। मानव की खोपड़ी ला करके अब क्या करना, उसको अच्छी तरह से साफ सूफ करके, और खरबूजे के जो बीज होते हैं ना, खरबूजे के बीज उस खोपड़ी के अंदर डालने पड़ेंगे। खोपड़ी के अंदर खरबूजे के बीज डाल करके आप उसे, जैसे खेत में अपन फसल नहीं बोते हैं, उसी तरह से उसे जमीन में दफन कर दीजिए। दफन करके जैसे फसल की हम ध्यान रखते हैं, वैसे उसकी ध्यान रखिए, बराबर वॉच करते रहिए। और जिस दिन बारिश की वजह से या सिंचाई की वजह से कैसे ही इसमें अंकुर फूटने लगेंगे, फल आने लगेंगे, तो फल तो आने लगेंगे। यदि आप पानी बराबर दोगे, धूप बराबर मिलेगी, तो फल तो आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो फल आने लगेंगे तो सारे फलों को तोड़ लीजिए, सारे फलों को तोड़ करके सुखा लीजिए, छाया में सुखा लीजिए। छाया में सुखाने के बाद में आपको क्या करना है जनाब, इसका चूर्ण बना लेना है। बढ़िया बढ़िया चूर्ण बना करके अपने पास महफूज रखिए। अब क्या है, आपका कोई ऐसा आदमी हो जो पागलपन का शिकार हो, ऐसे दौरे पड़ते हो उसको बार बार, तो उस समय क्या है, एक रत्ती भर तौल करके उसको वो चूर्ण खिला दीजिए। इधर आपने चूर्ण खिलाया, इधर उसका दौरा टूट गया। ऐसे 3-4 बार खिलाओगे ना, दौरा पड़ते खिला दो, 3-4-5 बार इसे खिला दो। खिलाने के तुरंत बाद आपको पता चल जाएगा कि 4-5 बार के बाद में फिर आपको खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर वो एकदम चंगा हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये वीडियो बहुत भाई लोगों के काम का है। बहुत लोग ऐसे हैं जो मानसिक उद्वेग के शिकार है, मानसिक एम्बुलेंस उनमें चल रहा है। तो ये वीडियो अगर बहुत लोगों के पास आप पहुँचा देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो आपको इसमें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, उनका भी आत्मा का आशीर्वाद मिलेगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि अच्छा लगे आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, और पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।